नमस्कार। थोड़ी देर बाद हम इस बात को जानेंगे कि कम या लगभग ना पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी में क्या कुछ कर जाते हैं। आज हम एक ऐसे मेहमान को आपको मिलाएंगे जिन्होंने महिला होते हुए, कम पढ़े लिखे होते हुए भी किस प्रकार से समाज को, अपने साथियों को, दूसरी महिलाओं को, सबको अच्छा किया। ये अभी भी एक थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है। अगर आप में से किसी को पता हो भारतवर्ष में लिटरेसी के मायने क्या है संविधान के अनुसार। सर, इफ अ पर्सन इज एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक अ लैंग्वेज, देन ही इज सेड टू बी लिटरेट। वेरी राइट, करेक्ट स्टेटमेंट, वेरी गुड। बोल रहे हैं कि जो मनुष्य या औरत अपना नाम लिख सके और अपने नाम को पढ़ सके वो लिटरेट माना जाता है, इस देश में पढ़ा लिखा माना जाता है। कितनी विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पिछली सरकारों में, दिल्ली में हम लोगों ने काफ़ी बार बात की है, इस परिभाषा को बदलिए, कम से कम कुछ लिखिए कि भाई जो कोई पत्र लिख सके, पढ़ सके, अखबार पढ़ सके, कुछ कर, लेकिन कुछ नहीं। एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है अपने यहाँ, उसके मंत्रियों से कम पिछले 3 मंत्रियों से हम बात किए। पहले तो बोले हाँ ये बात तो गलत है, कब से चला आ रहा, ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा, अंग्रेज़ों के ज़माने में परिभाषा लिखी गई, वही चली आ रही है। हमारी माँ भी पढ़ लिख सकती थी, अपना नाम लिख सकती थी, लेकिन वो गीता, महाभारत, रामायण ये पढ़ लेती थी, तो चलो वहाँ तक भी ठीक है। क्योंकि गीता रामायण क्यों पुरानी औरतें पढ़ लेती थी, क्योंकि सुनती रही हैं, सुन सुन के आ गया तो अक्षर को जोड़ जोड़ के उंगली रख के ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन कोई नई बात पढ़ सके वो तो नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने कहा, मंत्रियों ने, कि साहब अगर मेरे कार्यकाल में अगर ऐसा किया मैंने तो मैं इतिहास में ऐसा, मेरा नाम जाएगा कि इनके कार्यकाल में देश में जो शिक्षा का प्रतिशत 75% था वो घट के 48% हो गया। मैं नहीं करूँगा, किसी ने नहीं किया, आज भी वही चल रहा। यहाँ जो आज हम इकट्ठा हुए, आज इस बात पर विषय में चर्चा करने के लिए हुए कि सक्सेस का संबंध पॉजिटिविटी से क्या है, इज पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, डज इट हेल्प टू बी मोर सक्सेसफुल। So if we have positive attitude and we are failing in our attempts, then we can analyze ourselves and do हम लोग फिर से मेहनत करके आगे अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। अगर हम लोग का नेगेटिव एटीट्यूड है तो हम लोग हर हार से और हतोत्साहित होंगे और पीछे आ जाएंगे। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन सक्सेस के मायने क्या, आप कामयाबी किस चीज़ को मानते हैं? सर, हम जो गोल सेट करते हैं और वो अचीव करते हैं तो हम मानते हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए। ओके, वेरी गुड। अपने गोल को अचीव करना वो सक्सेसफुल है, सक्सेस के मायने है। और क्या मायने हैं सक्सेस के? मेरे लिए सक्सेस वो है अगर हम अपने बॉडी और माइंड को जितना सबसे ज़्यादा यूज़ कर सके इस लाइफ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें, इसी को मैं सक्सेस मानूंगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सर, फॉर मी सक्सेस इज गुड हेल्थ। सक्सेस आपके मायने गुड हेल्थ के हैं, चलिए ठीक है। सर, इफ़ यू आर इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली हैप्पी एंड यू आर इंस्पिरेशनल फॉर अदर्स एंड यू आर रोल मॉडल, देन यू आर सक्सेसफुल, आई थिंक सो। अच्छा, ओके। सर, आई वॉन्ट टू से दैट इफ यू आर हैप्पी व्हाट आर यू डूइंग, सो आई थिंक यू आर सक्सेसफुल। अब मान लीजिए हम ये बात को माने कि अगर आप 100% किसी भी उद्देश्य को लेके कामयाब होते हैं उसको सक्सेस कहेंगे। जो भी इच्छा हो आपकी, 100% खुश हैं, कभी भी दुख नहीं आता है, जिस गोल को उठाते हैं उसको पूरी तरह से निभाते हैं, 100% निभाते हैं, नहीं, क्या कहेंगे आप बताइए। सर, फॉर मी व्हेन पॉजिटिविटी विंस ओवर नेगेटिविटी, दैट इज सक्सेस फॉर मी। वेरी गुड।
सक्सेस मीन्स अचीव द गोल एंड अपने समाज के लोगों को खुश रखना सबसे बड़ी सक्सेस है. नो वंडर दिस कंट्री इज प्रोग्रेसिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आवर पीपल हैव. आप क्या कहते हैं, सक्सेस कैसे अचीव की जा सकती है, ये अगला प्रश्न. जब हम अपने माता पिता का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के योग्य हो गए, देन सक्सेस, तब सक्सेसफुल हो गए. चलिए फिर आगे सक्सेस कैसे अचीव की जाए. सर, वन सेंटेंस, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस. सो बाई ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज, तजुर्बे से सक्सेस मिल सकती है. जी, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हार्ड वर्किंग. पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क. और क्या? विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू आवर वर्क. Then we can be successful. Willpower, dedication, and determination, sir. And determination. सभी कुछ जोड़ दिया आपने, कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं. ये सब चीजें एक साथ हो सकती है एक इंसान में? Yes, sir. We have to try, sir. हाँ, try तो ठीक है, हो सकती है क्या? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, very good. हाँ. Sir, success can we get from by motivation and hard work, sir? जी. Success can be achieved through criticism. How will take the criticism can be positive or negative, but how will take and how will execute, that is a way to achieve success. देखिए, जितनी भी बातें आपने की, criticism लेना, परिवार का support लेना, failure से सीखना, कुछ चीज़ों में आपने active action की बात की, उसको अगर एक दो तराजुओं में डालें, जितनी भी बातें हमने की, एक निकलेगा hard work, एक निकलेगा एटीट्यूड. जितनी बातें हमने की, कई चीज़ें आती हैं एटीट्यूड की वजह से. लेकिन फिर भी अगर आप देखिए, एक किसी के पास कागज़ पेंसिल हैं, ज़रा लिखिए, ए टू जेड लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करके लिखिए. ए के नीचे एक नंबर लिखिए, बी के नीचे दो नंबर लिखिए, सी में तीन, ऐसे करते करते लिखते जाइए. अब उसके बाद आप लिखिए मोटिवेशन. आपने कहीं ना कहा ना, मोटिवेशन अगर होगा तो अच्छा होगा. हार्ड वर्क, किसी का जोड़ सो नहीं मिल पाएगा. हार्ड वर्क और उसमें ऊपर के जो अक्षर के नीचे लिखे गए हैं ए टू जेड में, उसको लिखिए. एच के, एच का कितना नंबर? हाँ, ऐसे करके लिखिए. ए का एक. हार्डवर्क का कितना नंबर आया? 98 आया. हार्डवर्क का जोड़ आया 98. और उसके बाद लिखिए एटीट्यूड. एटीट्यूड का जोड़ आएगा सिस्टर 100. सो इट इज़ अवर एटीट्यूड जो कि हमको या तो सक्सेस दिला सकता है या नहीं दिला सकता. और सक्सेस के माने, जो काम करें 100% करें. 100% रिजल्ट आया तो सक्सेस, 98% आया तो आज के दिन तो एडमिशन 97% वालों को भी नहीं मिल पाता है बड़े कॉलेजों में.